मनिया पुलिस थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर नरेश शर्मा का 22 महीने का पुत्र हृदयांश जिंदगी मौत से जूझ रहा है। कमर के नीचे हृदयांश का हिस्सा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। हृदयांश घातक बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी से ग्रसित है। इस बीमारी का इलाज भारत देश में नहीं है। 24 महीने की उम्र तक इस बीमारी का उपचार किया जाता है। अमूह बीमारी का उपचार जोलजेंसमा नामक इंजेक्शन से किया जाता है, जिसकी कीमत करीब 17.5 करोड़ बताई जा रही है। भारी भरकम राशि होने की वजह से सब इंस्पेक्टर का परिवार असमर्थ है। सोशल मीडिया के माध्यम से सब इंस्पेक्टर नरेश शर्मा एवं उनकी पत्नी ने देश के लोगों से आर्थिक मदद की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने भी पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों को मदद के लिए पत्र लिखा। साथ ही आमजन से भी अपील की है कि वो इस मुहिम में शामिल होकर यथासंभव मदद करे, जिससे एक मासूम की जान बच सके। हमारे पुलिस विभाग में तैनात एक सब इंस्पेक्टर नरेश शर्मा, जो भी मनिया थाने में पदस्थापित हैं, उनके बच्चे को एक बहुत ही अनुवांशिक बीमारी, जो रेयरेस्ट डिजीज बोलते हैं, वो बीमारी अभी आई है जांच में, जो कि ऐसी बीमारी है जिससे बच्चे की जीवन एक खतरे में है। और उस बीमारी का इलाज एक बाहर की इंजेक्शन है, जो इंजेक्शन इंडिया में नहीं अवेलेबल है, जिसके लिए फंड की ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से समस्त पुलिस के कर्मचारी और अधिकारियों से और साथ के साथ आम जन से भी अपील करना चाहूँगा कि आप अपने स्तर पे जो भी यथासंभव मदद करेंगे, तो एक बच्चे की जान, जो अभी 2 साल से कम उम्र का है, उसकी जान बच सकती है। ये अमाउंट इतना ज़्यादा है कि हमारा पूरा पुलिस विभाग भी ट्राई कर रहा है, तो भी वो पर्याप्त नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जब तक आपके माध्यम से आम जन को ये चीज़ें और जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, जो भी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो इस तरह की चीज़ों में डोनेट करती हैं, मैं अपील करूँगा आपके माध्यम से कि वो आगे आएँ और हमारे जो प्रदेश स्तर पर एक व्यापक मुहिम चलाकर जो भी छोटे से छोटा मदद राशि है, वो जो डिटेल्स हैं, जो बच्चे का अकाउंट है, जो चैरिटेबल अकाउंट है, उसमें दान करें, और जिससे कि एक बच्चे की जान बचाई जा सके। और जो पुलिस विभाग है, वो हमेशा लोगों की सेवा और सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो मैं इसके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि आम जन भी एक बार आगे आए और हमारे पुलिस विभाग का जो बच्चा है, उसको उसकी जीवन बचाने के लिए जो भी मदद हो पाए कर लें, क्योंकि समय भी कम है। 4 महीने के अंदर हमें वो फंड इकट्ठा करना है, नहीं तो 2 साल के बाद उस इंजेक्शन का भी कोई फायदा नहीं रहेगा। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ समस्त आमजन से और अपने पुलिस विभाग के अधिकारियों से भी। मैं गौरव कुमार शर्मा हृदयांश का रिलेशन में चाचा लगता हूँ, और हृदयांश शर्मा गांव मसारी तहसील कठुमर जिला अलवर राजस्थान का रहने वाला है। इसको एक SAM2 टाइप बीमारी हुई है, जो कि यह बचपन से ही एक बच्चे के प्राकृतिक रूप से या पेट से ही यह बीमारी चालू हुई है। यह क्या है कि छोटा था, 6 महीने का था, तब से ही यह घुटमन या वैसे बैठना चालू इसने नहीं किया था, तो हमने पूरे परिवार ने इसका एक इलाज चालू करवाया, जो सबसे पहले हमने इसको बेबीलोन हॉस्पिटल जयपुर में दिखाया। उसके बाद भी इसकी डॉक्टरों ने वहाँ से थेरेपी वगैरह की जांच के लिए बोला या थेरेपी वगैरह कराने के लिए बोला, तो हमने 5-6 महीने इसकी थेरेपी कराई। थेरेपी के बाद भी यह जब चलने नहीं लगा, जब इसने कुछ प्रोग्रेस नहीं की, तो इसका हमने एक JK Leon हॉस्पिटल अपने डॉक्टर साहब प्रियांशु माथुर साहब के यहाँ इसकी रिपोर्ट लेके गए, तो उनके यहाँ भी थोड़े दिन इसका उपचार चला। जब वहाँ भी यह प्रोग्रेस नहीं कर पाया, तो इसकी एक रिपोर्ट दिल्ली एम्स ने बाहर भेजी, जिसमें यह बीमारी पाई गई SAM2 टाइप नाम से। तो उसका इस बीमारी का यहाँ इंडिया में इलाज नहीं होने के कारण इसका इलाज बाहर से कराना पड़ेगा, और जिसका खर्चा 17.5 करोड़, मतलब 17.5 करोड़ रुपए डॉक्टरों ने हमें बताया है। और हमारा परिवार एक किसान परिवार से बिलोंग करता है, हम किसान परिवार है, जिससे 17-17.5 करोड़ रुपये हमारा परिवार बहन नहीं कर सकता। इस बीमारी को लेके हमारा परिवार बहुत सदमे में है, ना तो हमारा पूरा परिवार खाना खा रहा है, ना टाइम से सो पा रहा है, हमारा पूरा परिवार बहुत ही चिंतित है। और मैं तो सभी जितने भी भामाशाह हैं, ये राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, जितने भी देशवासी इस वीडियो के माध्यम से जुड़े या जिन लोगों को भी यह पता चले, मैं तो उन सभी लोगों से एक निवेदन या एक अपील करना चाहूँगा
कि इस बच्चे के भविष्य के लिए, इस बच्चे को अच्छे होने के लिए सभी सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा इस बच्चे की तरफ ध्यान केंद्रित करें। धन्यवाद।